डायन, चुड़ैल कितने सुकून से सो रही है। मन तो कर रहे तुझे जिंदगी भर के लिए सुला दूं, अगर मुझे शिवांगी का असली रूप न छुपाना होता तो मैं तुझे अभी डस लेता, फिर चाहे तेरे गले में ये गरुड़ कवच होता या ना होता। ये भगवान, पूरी रात ये खिड़की खुली थी। अगर कोई नाग या नागिन अंदर आकर मुझे डस लेता तो? वैसे भी इस घर में इतने सारे जानवर रहते हैं, ये खिड़की तो क्या एक छोटा सा होल भी मैं खोलकर नहीं रख सकती। ये सारे जानवर चींटी जैसे छोटे छोटे बनकर कहीं पर भी घुस जाते हैं। पहले मैं ये खिड़की बंद कर देती हूँ। ये क्या था मेरे कमरे में? कुछ जानवर तो नहीं? ये तो मेरी जूती है और मैं सोच रही थी कोई जानवर है। ओह, अब पहले खिड़की बंद करती हूँ। चलो अब उठी गई हूँ तो फ्रेश होकर आती हूँ। इसकी लाश में से बदबू आने लग गई है। सबके उठने से पहले मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। इस घर के लोग उठने वाले होंगे, मुझे इसे जल्द से जल्द इस घर से बाहर ले जाना होगा। Come on guys, जल्दी करो। आ रहा हूं आलिया। ओ, तो तू यहां है। गुड मॉर्निंग अबनी का। अबनी क्या यार, तुम लोग अभी रोज रोज मुझे सुबह होने से पहले उठा देते हो, धक्के से उठना पड़ता है। वेरी इरिटेटिंग यार। और तुझे भी पता है कि सूर्य नमस्कार के लिए रोज उठना है, फिर भी रोज कंप्लेन। चल पहले हॉल में, पहले सूर्य नमस्कार करो, उसके बाद दिन भर सोते रहो। हॉल में लगता है तुझे इस घर से कुछ ज्यादा ही प्यार है। तेरी लाश ये घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। रह ले थोड़ी देर और, लेकिन कहां छुपाऊं मैं इसकी लाश? सुबह होने ही वाली, रुद्र फोन नहीं उठा रहा है, कहाँ है वो? उसने उत्तरा की लाश ठिकाने लगाई भी कि नहीं? क्या हुआ? रूम में ही मॉर्निंग वॉक। अब ये क्या? नहीं वो मैं
क्या मतलब? मतलब सूरज भाई कैसे फोन कर रही हो? नहीं फोन नहीं कर रही थी, वो अलार्म स्विच ऑफ कर रही थी। इतनी सुबह सुबह का अलार्म लगा था, मतलब सुबह जल्दी उठने का प्लान था। एनीवे वैसे भी इतनी सुबह क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक दो घंटे सो जाते हैं। शौकी इतना पतला पतला क्यों लग रहा है? जो भी है मैं अभी कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। क्या वो चले आओ। मेरी नागमणि की कहानियां ये यहां कैसे? तुम्हारी कहानी है ना, मतलब ये किताब तुम्हारी है ना? आज तुम्हारे कब्र में मिली थी मुझे, अच्छा दाढ़ी नागना के। वैसे तुम जानती हो किसे इच्छा दाढ़ी नागना के? हम श्योर नहीं जानते हो, लेकिन उनके बारे में कुछ जानती हो? नागनाकिन कभी देखा? रॉकी ये किताब मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, पढ़ी मैंने, बहुत अच्छी कहानी है। वैसे भी बचपन से ही मुझे फैंटेसी फिक्शन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पर ये सारी बातें सिर्फ किताबों में होती है, असल जिंदगी में नहीं। छोड़ो ना ये सारी बातें, सो जाते हैं। कल रात कुछ तो हुआ है, रॉकी को कुछ तो पता चला है, वरना रॉकी मुझसे इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में ऐसे नहीं पूछता। अब मुझे बहुत सतर्क रहना होगा, गलती से भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी होगी जिससे रॉकी का शक और बढ़ जाए। रुद्र ने उत्तरा की लाश यामिनी के कमरे से निकाली तो होगी ना? गुड मॉर्निंग। ये उत्तरा कहाँ गायब हो गई? रोज सवेरे मेरे कमरे में लेमन जूस लेकर आती थी, आज लेकर नहीं आई। यकीन नहीं होता कि रुचिका ये भी एक नागिन है। शेषा मतलब वो तुम जिसे बुलाते हो रुचिका, वो भी एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन है वो। क्या हुआ निधि चाची, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम हो क्या चीज। क्या मेरा मतलब है तुम कितनी खूबसूरत हो। गुड मॉर्निंग बड़ी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। लगता है रुद्र ने अपना काम कर दिया है, उत्तरा की लाश घर से बाहर ले गया है वो। ये दोनों फिर एक साथ, वो भी इतने शांत शांत। पार्टी में मैंने शिवांगी बनके जो तांडव किया उसका इन दोनों पे कोई असर नहीं हुआ। मॉम पानी पानी पानी। हाँ ठंडा पानी तो लाना ही भूल गई मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं तुम रुको मैं ले क्या। अरे नहीं नहीं आप दोनों रुकिए मैं ले आती हूँ। अरे क्यों तुम दोनों यहीं रुको ना, पानी मैं लेकर आती हूँ। शिवांगी जैसा हमने प्लान किया था मैंने बिल्कुल वैसे किया। मैंने शीशा के साथ नकली डील की, उसे भरोसा दिला दिया कि मैं तुम्हें रॉकी से दूर करूंगा। हमें लगा था अगर हम शीशा के साथ ये डील करते हैं तो वो कुछ भी करने से पहले हमें बताएगी, लेकिन शीशा ने हमें धोखा दे दिया। उसने तुम्हारे एप्पल जूस में बेलपत्रों और जहर मिला दिया और फिर मुझे कहा कि मैं तुम्हें विषमारक औषधि दूं। मैं वो औषधि दे के तुम्हारे कमरे से बाहर ही निकल रहा था, उतनी देर में रॉकी ने मुझे देख लिया, मेरा असली रूप देख लिया। उसे पता चल गया कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूं।
पता है कल रात को कितना बड़ा हंगामा क्रिएट किया सारे फैमिली मेंबर्स दोस्तों के सामने। आई वॉज एम्बेरस्ड, मतलब डिनर खत्म हो गया, तुम्हारा हंगामा खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी कहानी है ना, मतलब ये किताब तुम्हारी है ना? हाँ, तुम्हारे कबर्ड में मिली थी मुझे। अच्छा दारी नाग ना के। वैसे तुम जानती हो किसी इच्छाधारी नागनाग? जैसे ही शीशा ने मुझे ये बताया मैं तुम्हारे रूम में गया और उतने में देखा कि शीशा ने एक और कांड कर दिया है। क्या किया उसने? वो मेरा रूप लेके रॉकी के सामने गई। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई, लेकिन मैंने काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। ये तुम क्या कह रहे हो? रॉकी को अब क्या होगा रूथ? शिवांगी हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा। तुम रॉकी के साथ जैसी हो बिल्कुल वैसी रहना। नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो रुद्र, इसीलिए रॉकी मेरे साथ इतना बदला बदला सा बिहेव कर रहा था। अजीब अजीब से नाग नागिनों के बारे में सवाल, मुझ पर शक। उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया है तो अब उसे मेरी सच्चाई भी पता चल जाएगी। अब क्या होगा देखना, अब वो मुझसे पूछेगा मैं तुमसे क्यों मिलती हूँ, हमारा रिश्ता क्या है। इसीलिए रॉकी ने मुझे मैसेज करके उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाया। मुझे अभी जाना होगा रुद्र, तुमने अच्छा किया रुद्र जो मुझे वक्त पर सब कुछ बता दिया। पर रॉकी के हजार सवालों का मैं क्या जवाब देने वाली हूँ मुझे नहीं पता। रॉकी, रॉकी वो मेरी बात सुन। घिनौती तुमसे कि तुम मेरी पत्नी हो, क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? कुछ नहीं। क्या राज क्या छिपा रही हो मुझसे शिवांगी? कुछ नहीं। बताओ बताओ शिवांगी। नहीं रॉकी, कुछ नहीं। मेरी बात सुन। क्या सुन? क्या सुनूं तुम्हारी बात? यही के रुद्र तुम्हारा दोस्त है और एक इच्छाधारी नाग है वो। शिवांगी तुमसे पता न किया, क्यों पढ़ती तुम ये नाग नागिन की किताब? क्यों रात रात भर क्यों बाहर रहती हो? क्या रिश्ता क्या है उस नाग उस रुद्र के साथ तुम्हारा? कुछ नहीं। बताओ शिवांगी। कुछ नहीं। ऐसे चल मैं पति हूँ तुम्हारा, मेरी बीवी क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये हक के जाने का बताओ। लेकिन ये राज क्या है? ये राज क्या है शिवांगी? ऐसा चल मैं सच्चाई क्या तुम्हारी, सच्चाई क्या तुम्हारी शिवांगी बताओ मुझे। मेरी सच्चाई जानना चाहते हो ना तुम? ये है मेरी सच्चाई। हाँ, मैं एक नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन। इसका मतलब वो सारी बात है, रुद्र के साथ तुम्हारा रिश्ता, वो सब, वो नाग और तुम एक नागिन, तुम दोनों मेरे पीठ पीछे। रॉकी प्लीज प्लीज मुझसे बात कर, एक बार मेरी बात सुन लो। एक इच्छाधारी नागिन मेरी बीवी नहीं हो सकती। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं रॉकी, मांगी ऐसी रॉकी प्लीज मेरी बात सुन, निकल जाओ घर से बाहर। नहीं रॉकी, निकल जाओ रॉकी। बहुत डरावना ख्याल था ये, मेरी हकीकत मुझे रॉकी से किसी भी हालत में छुपानी होगी। इतना बड़ा धोखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जो भी हो रहा है वो प्लान के मुताबिक हो रहा है। कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी का रिश्ता एक इच्छाधारी नाग से हो। अब देखना यह है कि रॉकी अब क्या करता है। तुझे शिवांगी, मैंने तो उसे पहले कहा था कि शिवांगी पे एक भी आंच नहीं आनी चाहिए। शिवांगी पे एक आंच भी नहीं आएगी और रॉकी को छोड़ के तेरे पास आएगी। ग्रेट वर्क, गुड प्लान। ये तो होना ही था पार्टनर, है ना? देख, रॉकी अब शिवांगी का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकालेगा और शिवांगी जैसे ही बाहर आएगी तू बाहर उसका वेट करना
और उसे ले जा, जहाँ चाहे वहाँ ले जा। और रोने के लिए ना तू उसे अपना कंधा भी दे देना और अपना प्यार भी। आज नहीं तो कल उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा। अरे अब तो ऐसे क्या देख रहा है मुझे? देख, मैं तेरा काम आसान कर रही हूँ और मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूँ। तुझसे ज्यादा मैं जो भी कर रही हूँ ना अपने लिए कर रही हूँ। अब देखना यह है कि रॉकी कब शिवांगी को घर से बाहर निकालता है। अब तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह मैसेज करके बुलाया, सुबह सुबह इतना सारा काम रहता है ना, अब अपना ही कमरा ठीक करना भूल गई। निशान देखा था मैंने कहां? हाँ, पंचनेर की हवेली में। रुको, क्या हुआ? हे शिव जी, रॉकी इस निशान का मतलब जान गया। रॉकी बहुत कुछ जान गया है। बहुत जल्दी मेरा असली रूप भी जान जाएगा। नहीं, मैं खुद रॉकी को बता दूंगी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। कब से जानती हो ऐसा? कब से छिपा रही होगी तुम एक? कि तुम एक सूर्यवंशी हो, उन चंद लोगों में से एक जो नागमणि के बारे में जानते हैं, जो नागमणि उठा सकते हैं। देखो शिवांगी, आज झूठ मत बोलना। तुम्हारी गर्दन पे वो निशान देखा है मैंने। अब ये मत कहना कि वो निशान तुम्हें पता नहीं कहां से आया। रॉकी एक मिनट, अब मेरी गर्दन पे जो ये निशान है वो बचपन से ही है। एक बार माँ पापा को पूछा था तो उन्होंने बताया कि उन्होंने टैटू करवाया है। बस इससे ज्यादा और मुझे नहीं पता। थैंक गॉड शिवांगी, बैठो। शिवांगी कैसे बताऊं तुम्हें? शिवांगी तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी है, रुद्र के बारे में। शिवांगी, रुद्र के बारे में एक ऐसा राज जाना है जो रुद्र के बारे में जो मैं जानता हूं वो एक समझ में नहीं आता, कैसे बताऊं रुद्र। शिवांगी रुद्र एक इच्छाधारी नाग है, मैंने उसे सांप में बदलते हुए देखा शिवांगी। पर ये बात तुम्हें बतानी बहुत जरूरी थी। मेरे रास्ते में मत आ, मैं एक इच्छाधारी नाग और तू एक मामूली सा इंसान। मुझे सब पता है रॉकी, सॉरी मैं तुम्हें सच बता नहीं सकती कि मैं ये सच जानती हूँ। मुझे पता कि तुम्हें कुछ नहीं पता। कैसे पता होगा शिवांगी, ये हमारी दुनिया की बातें ही नहीं है। एक नहीं, मैं जानता हूँ कि रुद्र तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा। इसी निशान की वजह से शिवांगी, इस किताब में लिखा है कि उन्हीं के शरीर पे होता है जो नागमणि की रक्षा करते हैं, जो नागमणि उठा सकते हैं। पहले तो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर शिवांगी जब मैंने अपनी आंखों से रुद्र को इच्छाधारी नाग में बदलते हुए देखा तब यकीन हो गया शिवांगी। और ये रुद्र तुमसे वो नागमणि उठवाना चाहता है। मैं पंचनेर की हवेली भी गया था ये बात का पता लगाने के लिए कि इच्छाधारी नाग का और इंसान का क्या ताल्लुक है। अब मुझे सब पता लग गया शिवांगी, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच जानकर रहूंगा मैं, बिल्कुल मत घबराना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम मेरे बारे में जो जानते हो सब गलत है। तुम नहीं जानते कि मैं एक इच्छाधारी नाग कैसे बताऊं। बता दिया तो तुम्हें खो दूंगी। घबरा मत शिवांगी, तुम एक खरोच तक नहीं आने दो, लेकिन इसके लिए
इसके लिए मैं पंचनेर की हवेली जाना होगा, क्योंकि नागमणि वहीं पर है शिवांगी। और मुझे पता, अगर हम वहां पर गए तो रुद्र भी हमारा पीछा करेगा और तब उसे हमें हमारे जाल में फंसा लेंगे। कैसे? I have a plan.